खूबसूरत नजारा महासू धार का। भाई कपिल हमारे आज उनके घर में देवजी है, देवता डमेल नाग जो है पधार रहे हैं। बहुत ही शानदार लोकेशन है दोस्तों, ये लोकेशन हम पहले भी एक बार शेयर कर चुके हैं। और जो उनका घर है वो तो और भी खूबसूरत जगह पर बना है। डॉक्टर जी कैसे हैं? ये कौन से देवता पधारे हैं? ये सर नाग धुनी जी और नाग तुंदली देवता जो हैं पधारे हैं यहाँ शानदार वादियों में। क्या बात है, दिस इज रियली वंडरफुल प्लेस। कपिल भाई को बधाई देनी पड़ेगी मतलब। और भाई क्या हाल चाल है? ये हमारे पुनीत भाई, कैसी लगी जगह आपको? बहुत शानदार, बहुत अच्छी। और आप तो पिछले एक दिन से देवता जी के साथ हैं? हम बाहर ही हैं। कैसी फीलिंग आई? बहुत अच्छा, मजा आता है। अच्छे से आए, मजे से देखे। मिस करेंगे इस जगह को, मिस करते हैं, साल में एक बार आते हैं। और जो देवता जी का कार्यक्रम है वो कैसा लगा? बहुत जबरदस्त कार्यक्रम। ओके ओके, किसको कॉल कर रहे हैं आप? आ जाओ फिर। बहुत ही शानदार लोकेशन है। तो जैसा मैंने आप सभी को बताया कि हमारे एक परम मित्र जो कपिल महासू वाले, अभी कुछ दिन पहले ही उन्होंने सब्जियों का काम शुरू किया और एक एग्जांपल सेट कर दिया पूरे इलाके में। उनसे भी रूबरू कराएंगे आप सभी को, लेकिन आज तो थोड़े व्यस्त रहेंगे, मेहमान जो है वो लगातार आ रहे हैं। चल पड़ते हैं आगे, मेरे ख्याल में मजा आएगा अभी देखने का। चलो, ये हमारे साथ है ब्राक्टा जी। एक फोन अपने घनश्याम जी का भी आ रहा है, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। और ऐसी शानदार लोकेशन पे हम लोग इकट्ठे हुए दोस्तों, मासूदार की वादियों में, क्या बात है। ये हमारे दीपक जी, अभी JBT टीचर, उधर देखिए बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ऐसा हम चाहते हैं। अपने पत्नी की जरूरत है, ढूंढ लीजिए इनको, लड़का अच्छा है। देखना पड़ेगा सर। कपिल भाई के शानदार बकरे पहाड़ी। चाचा श्री कितना कितना वजन होगा इन दोनों का? इन दो बकरे का तो क्विंटल मान के चलो, और ये खड्डू का 45 किलो। भी जबर है। हाँ, जबरदस्त है ना, क्योंकि तो शक्ल ही बड़ी भयंकर है। देखो क्या बात है बेटा, राम। अरे अरे अरे, ये हाइट ही है इसकी 3-3 फुट। तो टांगे देखो नीचे, देव तुंदड़ी। जय हो नगर। मेहता जी, हेलो हेलो। गजब गहना, एक नहीं दो दो। कपिल भाई के अच्छा।
सर्दियों में गर्मी का एहसास कराते हुए गहने, साथ में नाग देवता के रंग, तो ये है गांव का जीवन दोस्तों। थोड़ा मोबाइल ने अभी भी परेशान कर दिया। क्या बात है। और ये खाना खाने से पहले सभी लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि एक घेर जो है वो बैठ चुकी है खाने। उससे पहले देखिए, सबका अपना अपनी गपशप चली है, आग जली है, और इस आग के पास बैठकर रात के लगभग 10 बजे सारे लोग बैठ के गपशप मार रहे हैं। किसी को कोई जल्दी नहीं है, एक दूसरे के लिए समय निकाल रहे हैं। अब ऐसा बहुत ही कम देखने को मिलता है। क्यों पुनी सरकार, क्या बोलते हैं आप? बहुत मजा आ रहा है, वी आर एंजॉयिंग। जो इस तरह के जो ये हमारे कल्चरल हेरिटेज जो फंक्शन है वो होते रहने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, कल्चर की पहचान है। हाँ, इस कल्चरल हेरिटेज पुराने लगा रहता है कि जड़ों से जुड़े हैं। धन्यवाद। तो ये हमारे सिंगा साहब। सिंगा साहब कैसे हैं आप? बढ़िया सर। तो स्वास्थ्य आपका अच्छा है? काफ़ी लंबे समय के बाद सिंगा साहब मिले आज, बड़ी दिल को खुशी हुई। हमने इनको बार बार जपियाँ मारी, फिर मुझे थोड़ा सा पता लगा कि भी सिंगा साहब थोड़े जरा अस्वस्थ चल रहे हैं, तो मुझे फिर पूछना पड़ा कि क्या हुआ है। तो अब इनके साथ इसलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा। तो ये जो इस तरह का जो हमारा कल्चर है, ये देखिए आप जो आग के पास बैठ कर इतने सारे लोग गपशप मार रहे हैं, आपको इसके बारे में कुछ कहना होगा? इसके बारे में क्या कहना, अपने बारे में कहना पड़ेगा। बहुत मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है भाई। थोड़ी सी लाइट आने दो चेहरे पर, लगाने का मजा आ रहा है। चलो बहुत बढ़िया, मजा आ गया साहब। अभी देखो ऐसे ही बिल्कुल दो तीन उधर भी लगे हैं कहने, और इस तरफ लोग इंतजार कर रहे हैं। उधर भोजन का इंतजाम है। लोग जिन जगह घूमने का प्लान बनाते हैं, हम तो उन्हीं जगहों पर रहते हैं। ऐसा कल्चर देखने को मिलता है। बराटा जी, कौन से देवता चल पड़े वापस? देवता कौन से चले वापस? नाग तुंगली वापस चल पड़े। वापस जा रहे हो? आज खनेड़ वगड़ा के बीरन में रुके। खनेड़ वगड़ा के बीरन में रुके। महिला ऊपर संगीत भी गा रही है यार। अब मेहमानी करके वापसी हो रही है, जा रहे हैं खनेड़ बगड़ा की तरफ। और जो दूसरे नाग हैं धमुनी, वो साथ लगते गांव की तरफ जाएंगे। यस, एडजॉइनिंग जो है पंचायत में। अच्छा, क्या चीज हुआ। तो ठीक है फिर, पूरी सरकार जी आपका भी टाइम हो गया मेरे ख्याल में चलने का। मिलेंगे फिर अगले मोड़ पे। नहीं तो शुक्रिया मेहता जी, आपके साथ भी आएंगे सर, आपके साथ तो हमेशा ही है हम। चलो मुझे जाना पड़ेगा वापस सरकार। बाकी बहुत शानदार जगह है, मजा आया आप लोगों के साथ, सबके साथ मिलते रहेंगे। सर रील कैसी लगी आपको? उसके ऊपर जो ब्लॉग बना है ना, वो आ जाएगा आज शाम तक यूट्यूब पे आएगा। लाइक कमेंट शेयर करें। नहीं वो आपकी इच्छा प्रभु, अच्छा लगे तो कर देना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। देखो आप मजे लो, मोनेटाइज तो हमने ऐसे भी नहीं करना है। वो तो हो रही थी, हमने नहीं की।